राज्यों में बीते कुछ समय से हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा होती हुई नजर आई, वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान में भी दो बार दंगे होते हुए नजर आए हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेकर कई विवाद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जिस तरीके से लाउडस्पीकर को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं, इसी बीच राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार लोगों के निशाने पर भी बनी हुई है। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया कि लाउडस्पीकर अगर बैन नहीं होते हैं तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में लाउडस्पीकर पर ही करेंगे और अब जल्द ही 5 जून को वह अयोध्या जाने वाले हैं। वो तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या में होटल्स में रूम्स की बुकिंग भी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बारे में बात की जाए तो हाल ही में उन्होंने कह दिया है कि वह नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के ही लोग मीडिया के सामने उनकी अयोध्या यात्रा के बारे में बातचीत करें। अयोध्या दौरे से पहले राज ठाकरे ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब अल्टीमेटम दे दिया है, अपना फैसला सुना दिया है। वह कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए कि नामित प्रवक्ता को ही इस मुद्दे पर बात करने का अधिकार है, किसी और को नहीं। राज ठाकरे ने बयान जारी किया और कह दिया है कि मेरी अयोध्या यात्रा के बारे में पार्टी में कोई भी मीडिया से बात ना करे। पार्टी ने प्रवक्ता नियुक्त किए हैं और वे इसके बारे में बात करेंगे, किसी और को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, भाषा के बारे में पता होना चाहिए। पार्टी में हर किसी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी बात को रख दिया है अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। राज ठाकरे ने फैसला सुना दिया है अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। मालूम हो कि राज ठाकरे के खिलाफ हाल ही में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। राज ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन आखिरकार इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कई नेता सवाल खड़े करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो राज ठाकरे जिस तरीके से अल्टीमेटम दे चुके हैं और अपने ऐलान के मुताबिक वह काफी चीजें करके भी दिखा चुके हैं महाराष्ट्र सरकार को, ऐसे में वक्त के साथ पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे क्या कुछ सुनाते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे जब 14 मई को औरंगाबाद में वह जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें, 12 से 14 मई के बीच आदित्य ठाकरे अयोध्या दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं और ऐसे में राज ठाकरे क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं इस बीच, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज से।